आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में हार कर भी दिल जीतने वाली महिला हॉकी टीम ने पीएम को अपनी एक स्टिक दी है और अब पीएम को मिले स्टिक की नीलामी हो रही है। 80,000 से शुरू की गई है बोली, अब 11 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पीएम को मिले उपहारों की नीलामी में ऐसी कई चीजें हैं जिन पर आप भी बोली लगा सकते हैं। कैसे खरीदेंगे आप पीएम के तोहफे, कैसे करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, इस रिपोर्ट में देखिए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही। टीम को पदक नहीं मिल पाने का मलाल है, लेकिन जिस तरह से टीम खेली उसके बाद वो इससे भी बड़ी जीत हासिल कर लेगी, इस बात का उसे मजबूत विश्वास है। रानी रामपाल की अगुवाई में टीम ने जोरदार खेल का प्रदर्शन किया। अंतिम मुकाबले में टीम ने कांस्य पदक पर दांव लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इतना सब होने के बावजूद टीम सभी का दिल जीतने में सफल रही। भारतीय हॉकी टीम जब भारत लौटी तो खुद पीएम मोदी ने सभी से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम ने कहा कि आप सब ने बहुत अच्छा खेला। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं, आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को। पीएम मोदी से मुलाकात के मौके पर टीम के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में इस्तेमाल की गई एक हॉकी स्टिक उन्हें भेंट की। नीले रंग की हॉकी स्टिक पर रानी रामपाल, सविता पुनिया, नवजोत कौर समेत पूरी टीम के खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं। महिला हॉकी टीम की इस अनोखी भेंट को कोई भी हासिल कर सकता है, क्योंकि पीएम मोदी को मिले उपहार और स्मृति चिन्हों की नीलामी 17 सितंबर से शुरू हो चुकी है जो 7 अक्टूबर तक चलेगी। इसका बेस प्राइस 80,000 रुपए रखा गया था। इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टिक भी शामिल है। अब इसकी बोली 11 करोड़ तक पहुंच चुकी है। pmmementos.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर इस नीलामी में कोई भी हिस्सा ले सकता है। इस नीलामी से प्राप्त राशि को नमामि गंगे परियोजना पर खर्च किया जाएगा। तो देर किस बात की है, अगर आप अभी तक इस नीलामी का हिस्सा नहीं बने हैं तो शामिल हो जाइए।